अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 अब हमने स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते, फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। अब इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोथेरेपी है क्या, मोडालिटीज किस तरह की है, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया और इलेक्ट्रिक शॉक देख लिया। सो इलेक्ट्रोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफिजिकल मोडालिटीज विच इंक्लूड लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट, टीटोथेरेपी एंड हीलियोथेरेपी। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी में हमने पढ़ा है कि हीलियोथेरेपी और एक्टिनोथेरेपी भी आता है और करंट्स भी आते हैं। अब करंट्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। वी हैव लो फ्रीक्वेंसी करंट, वी हैव मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एंड वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी करंट। करंट होता क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्रू कंडक्टिंग मीडियम। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम, सो व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज ऑल मूव इन द सेम डायरेक्शन क्रिएटिंग द करंट। अब वो कहते हैं कि जब आपके बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लूजली बाउंडेड होते हैं। जब हम वहां पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो सारे एक लाइन बना के एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं। अब जब वो एक लाइन बना के एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट मैनिफेस्ट हो रहा होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ करंट वी हैव डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और पल्सटाइल करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो एक डायरेक्शन में होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो डिफरेंट डायरेक्शन मतलब लाइक टू डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक एक टाइम के लिए पॉजिटिव में आएगा फिर नेगेटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में होगा फिर नेगेटिव में आएगा। और जो पल्सटाइल करंट होता है वो बेसिकली पल्सेशन होती हैं, पल्स होती हैं, कहीं पे पीक होती है और कहीं पे आके जाके वो डाउनफॉल कर जाता है, ठीक है। इट कैन बी इन वन डायरेक्शन और इट कैन बी इन बोथ डायरेक्शन, टू डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव टाइप ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। वी हैव लो फ्रीक्वेंसी करंट, हाई फ्रीक्वेंसी करंट एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। लो फ्रीक्वेंसी करंट वो करंट होता है जिसमें, ये देखो ये चेक करो, जिसमें आपकी वेव्स कम आ रही होती है, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी। और जहां आपकी वेव्स हाई ज्यादा आ रही होती हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ आ रही होती हैं, दैट मींस यू हैव हाई फ्रीक्वेंसी। कॉमन सेंस की बात है, इंटरवल्स जितने ज्यादा करते जाओगे बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, इंटरवल्स जितने कम करते जाओगे उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी। So number of impulses per unit time is known as frequency. एक मिनट, अच्छा जी, नंबर ऑफ इंपल्सेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी इफ द गैप बिटवीन इंपल्सेस इंक्रीजेस, सॉरी, इफ द गैप बिटवीन इंपल्सेस इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। इंटरवल बिटवीन इंपल्सेस, देखो गैप्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, गैप्स अगर कम हो रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। मतलब आपका इंटरवल जितना ज्यादा आ रहा है उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एनीथिंग्स पर टाइम, ऐसे ही है। अब आप समझ लो कि एक वन मिनट में एक जगह आपका 60 टाइम्स 60 लाइक टाइम्स जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और कहीं पे आपका एक मिनट में 10 टाइम्स करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो 10 टाइम्स वाला होगा उसमें इंटरवल ज्यादा होगा वो लो फ्रिक्वेंसी होगा, और जो 60 टाइम्स वाला होगा उसका मतलब है कि एक सेकंड में एक करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे आपका जो इंटरवल है वो कम होगा और आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा आपकी होगी। सो वी हैव लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट, नेम्स हैं हर किसी के। लो फ्रीक्वेंसी करंट में हमारे पास आता है फैराडिक करंट और गिल्वेनिक करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में हमारे पास आता है इंटरफेरेंशियल करंट, और हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आता है शॉर्ट वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी या माइक्रोवेव डायथर्मी, ठीक है।
अब जो आज हमने पढ़ना है वो हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट्स पढ़ने हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स बेसिकली ये फेरेडिक और गिल्वेनिक करंट होते हैं। अब हमने हमारा करंट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, या हमने करंट जो बॉडी में देना है वो क्यों देना है, क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट हो सके। हमारे मसल्स जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर एट्रोफी हो गई है, फेशियल पाल्सी हो गई है, कोई इस तरह की चीज है, तो हम तब करंट्स देते हैं। आप कुछ मसल्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं हमारी जिसमें हमारे जो मसल्स हैं उनमें नर्व्स जो हैं वो इंटैक्ट होती हैं। इंटैक्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मुझे मुझे कोई न्यूरोपैथी हो गई है, मुझे आप मेरा पिरिफॉर्मिस टाइट हुआ है, ठीक है। पिरिफॉर्मिस कहते हैं हिप के मसल्स होते हैं, पिरिफॉर्मिस टाइट हुआ है, उसकी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई है, ठीक हो गया। अब शियाटिक नर्व कंप्रेस हुई है, वो खराब नहीं हुई, लाइक वो कटी नहीं है, उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। अगर हम पिरिफॉर्मिस को रिलीज करेंगे तो शियाटिक नर्व ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं इनर्वेटेड मसल्स, जिनकी नर्व सप्लाई नॉर्मल होती है मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉस में क्या होता है, नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, तो अपने मसल्स को आप लूज करोगे, स्केलेनी वगैरह को, तो आपके जो ये नर्व है ये आपकी मतलब नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपके इनर्वेटेड मसल्स होते हैं। डीनर्वेटेड मसल्स होते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और सारी जो नर्व्स है वो एक पॉइंट पे आके ट्रांजेक्शन हो गई है, कट गई है। अब उसमें क्या है कि आपकी नर्व ही जब डैमेज हो गई है और 100% डैमेज हो गई है, तो आपके जो मसल्स हैं उनमें कोई नर्व सप्लाई नहीं आ रही, आपके मसल्स जो है वो बॉगी हो जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगी, वो आपके डीनर्वेटेड मसल्स होते हैं जिनमें कोई नर्व सप्लाई नहीं आ रही होती। जी बच्चे, अच्छा। अब जो लो फ्रीक्वेंसी करंट है ना, वो हमारे पास फेरेडिक और गल्वेनिक दोनों है। अब फेरेडिक करंट किन के लिए यूज होता है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। फेरेडिक करंट को हम कम ड्यूरेशन के लिए देते हैं, गल्वेनिक करंट को हम ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देते हैं। फेरेटिक करंट हमारा कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमारे इनर्वेटेड मसल्स पड़े होते हैं, मतलब हमारी नर्व जो है वो इंटैक्ट होती है, कोई और प्रॉब्लम आ रही होती है कहीं ना कहीं, वहां पे हम फेरेटिक करंट देते हैं। और गल्वेनिक करंट हम कहाँ देते हैं, जहाँ पे हमारे डीनर्वेटेड मसल पड़े हुए हैं। आप पाल्सी की एग्जाम्पल ले लो, पेशेंट्स आते हैं जिनको फेशियल पाल्सी हुई होती है। अब फेशियल पाल्सी में आप देखो कि अगर तो उसके सेंसेस काम कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, अभी 100% नर्व डैमेज नहीं हुई, तो आप उसको फेरेटिक करंट दोगे। मगर अगर आप देखोगे कि वो काफी दिनों बाद आया और उसके 100% नर्व डैमेज है, उसकी नर्व इंटैक्ट ही नहीं है, तो फिर आप उसको गल्वेनिक करंट दोगे। सो दैट इज द डिफरेंस। फेरेटिक करंट हम क्यों कम देते हैं, क्योंकि इनर्वेटेड मसल्स है, मतलब नर्व तो चल रही है, उसको बस हमने स्टिमुलेट करना है, तो वो कम टाइम में भी हो जाएगी। गल्वेनिक करंट हम क्यों ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो डीनर्वेटेड मसल्स के लिए है, आपकी नर्व चल ही नहीं रही, तो लास्ट ही बात है आपको एक धक्का लगाना पड़ेगा, आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। दैट सेम लाइक अगर आप देखो एक गाड़ी चल रही है और उसका पेट्रोल खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मगर अभी उसमें पेट्रोल है, तो आप उसको थोड़ा सा पुश करोगे तो गाड़ी एकदम से चल पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत कवर कर लेगी। मगर एक गाड़ी है जो बिल्कुल ही बंद हो गई है, उसका इंजन ही बंद हो गया है, अब उस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पेट्रोल डालना पड़ेगा, फिर धक्का लगाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसीजर आ जाएगा। तो डीनर्वेटेड मसल्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक एक्सक्यूज है। मी मैम जी बच्चे, मैम, आपने कहा कि डीनर्वेटेड मसल्स में जो होती हैं वो न्यूरॉन्स, वो उनकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो मैम, अगर उनकी ट्रांजेक्शन हो जाती है, वो कट ही जाती हैं, तो फिर करंट देने का तो क्या फायदा? उसमें तो नर्व की वो ही नहीं होगी, करंट पास कैसे करेगा? यानी वही कि तो मैं उसके कह लिए रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि जो नर्व जनरेशन होती है ना, आपकी जो न्यू नर्व बननी होती है वो बहुत स्लो बननी होती है, ठीक है। तो हम जब वहां पे मोटर पॉइंट्स होते हैं मसल्स में, वहां पे फिर हम वहां पे हम इसलिए फिर स्टिमुलेशन देते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर कोई मोटर पॉइंट्स बचे हुए हैं, अगर कोई नर्व फाइबर है या कोई इस तरह की मतलब कोई रिमेनिंग पार्ट पड़ा हुआ है, वो स्टिमुलेट हो जाए, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि मसल की री एजुकेशन स्टार्ट हो जाए, कि नर्व जो मतलब डीनर्वेट हो गई है, उसमें जब आप करंट देते हो ना, तो जो उसका हीलिंग प्रोसेस होता है ना,
वो मतलब 100% बंद नहीं होता। नर्व की हीलिंग इतनी स्लो होती है कि लोगों को लगता है कि नर्व हील ही नहीं होती, मगर नर्व हील हो जाती है अगर वो आपके एक्सोनल लेवल पे ट्रांजेक्शन ना हुई, सेल बॉडी की लेवल पे ट्रांजेक्शन ना हुई हो। तो हम उसको करंट इसलिए देते हैं ताकि उसकी हीलिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली फास्टर हो जाए। ठीक है, ओके मैम। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट आपका इंटरफेरेंशियल करंट आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मसल स्टिमुलेटिंग करंट, ये देखो, करंट दैट स्टिमुलेट सफिशिएंटली इन इंटेंसिटी कैन स्टिमुलेट अ नर्व एंड कैन प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल टू विच इट सप्लाइज। ड्यूरेशन इसकी 0.1 से 3000 मिली सेकेंड होंगी और अवेलेबल रेंजेस ये सारी है। शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्स क्या है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्स आपकी फेरेडिक है। इम्पल्स ऑफ ड्यूरेशन बिलो 10 मिली सेकेंड ये इनर्वेटेड मसल्स के लिए होती है एंड दिस गिवन बाय फेरेटिक करंट। लॉन्ग ड्यूरेशन करंट इज इम्पल्सेस ऑफ ड्यूरेशन अबव 10 मिली सेकेंड डिनर्वेटेड मसल्स के लिए होती है और गिल्वेनिक करंट होती है। अब जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, जो आपकी ये गिल्वेनिक है, ये इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी 30 पर मिनट। शॉर्ट ड्यूरेशन आपका फेरेटिक करंट होता है एंड दिस इज 50 to 100 पर सेकेंड, मतलब ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। वेव फॉर्म इंटेंसिटी जो है वो फॉल भी कर सकती है और राइज भी कर सकती है और चेंज जो है वो ग्रेजुअल भी आ सकता है, इसकी वेव फॉर्म ऐसे बनती है। अब जो फेरेटिक करंट है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? फेरेटिक करंट इज प्रोड्यूस बाय फेरेटिक कॉइल। आपकी कॉइल्स होती है जैसे डिफरेंट जो आपके मटेरियल्स आ रहे होते हैं, कॉपर वगैरह, मेटल वगैरह, उनकी डिफरेंट इंडक्शन कॉइल्स होती है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब वो जो इंडक्शन कॉइल्स होती हैं, दैट इज आल्सो नोन एज, ये देखो, स्मार्ट ब्रिस्टो फेरेटिक कॉइल। इन्होंने जो है वो आपकी फेरेटिक करंट प्रोड्यूस करना है। अब फेरेटिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है कि स्टार्ट में जब आप अपरेटस लगाते हो ना, तो जो बैटरी के अंदर आपकी कॉइल लगी होती है फेरेटिक कॉइल, वो स्टार्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है, फिर आहिस्ता 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 जाके वो एक डायरेक्ट करंट में बदलता है, ठीक है, जो कि फेरेटिक होता है। सो इसकी 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, इसकी ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है, ये आपका फेरेटिक करंट आ गया। क्या आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी जो है, अब इसे म्यूट कर दो अपने माइक। इतनी बड़ी ऑफर ये तुम्हारी क्लास तो वहां भी चलती थी कि मेरे अंदर चले अगर नाश्ते का मूड है तो चले नाश्ता करने। अच्छा तो फेरेटिक कॉइल इज ऑल्सो नोन एज स्मार्ट ब्रिस्टो फेरेटिक कॉइल। अब ये यही कॉइल होती है कि आपके अपरेटस में ड्राई बैटरी लगी होती है। ड्राई बैटरी जो है दैट इज कनेक्टेड विद योर लाइक इंडक्शन कॉइल, और वो जो है वो दोनों पोल्स के साथ कनेक्ट होकर फिर करंट प्रोड्यूस करती है। वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट पीरियड, मतलब कि इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट का मतलब है कि सब ये देखो, ये पीक साइन, ठीक है, और इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया, फिर इंक्रीज डिक्रीज हुई, फिर गैप आया। तो इनमें जो है वो अकोमोडेशन पीरियड या रेस्ट पीरियड थोड़ा होता है। मॉडिफिकेशन इसकी फेरेटिक करंट की कैसे हो सकती है? फेरेटिक करंट इज कॉमनली मॉडिफाइड यूजुअली बाय सर्जिंग। सर्जिंग किसे कहते हैं? कि आप एक नॉर्मल करंट की इंटेंसिटी को या इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो ग्रेजुअली, दैट इज नोन एज सर्जिंग, कि आपने करंट की सर्जिंग कर दी है, ठीक हो गया। अब ये फेरेटिक टाइप करंट की कुछ ना कुछ सर्जिंग हुई हुई है। ये देखो, ये एक नॉर्मल फेरेटिक करंट है आपका, ये फर्स्ट वाला, दिस इज योर नॉर्मल फेरेटिक करंट। ये बी में आपकी सर्जिंग हुई हुई है कि इसको पहले कम कर दिया इंटेंसिटी और फिर आहिस्ता 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 बढ़ाई है, ठीक है। देन आपकी डी में आपकी सर्जिंग हुई हुई है कि आपने जो इंटरवल्स हैं, मतलब जो रेस्ट पीरियड है, आपने फेरेटिक कॉइल से करंट देना स्टार्ट किया, आहिस्ता इंटेंसिटी की 5 सेकेंड्स में आपने इंटेंसिटी मैक्सिमम कर दी और फिर ड्रॉप हो गई, फिर रेस्ट पीरियड आया 5 सेकेंड्स का, उसके बाद फिर इंटेंसिटी बढ़ाई। नेक्स्ट में आपने क्या किया कि आपने जो रेस्ट पीरियड था वो 2 2 सेकेंड्स का कर दिया, तो ये भी आपकी सर्जिंग है, ठीक है। अब जो कॉमन सर्जिंग वेव वेव फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है? एक सॉटूथ होती है।
शॉर्ट टूथ में क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है स्टार्ट में स्लो होगी और ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, और फिर जब वो इंक्रीज करेगी तो वो लाइक एक प्लेट्यू बना लेगी। ट्रायंगुलर में क्या होता है कि ऐसा ऐसा इंक्रीज करेगी, जैसे वो मैक्सिमम पे पहुंचेगी वो डिक्रीज कर जाएगी। और ट्रेपेजॉइडल में भी यही होता है कि स्टार्ट में इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, फिर वो थोड़ी सेकेंड्स इंक्रीज ही रहती है। ट्रायंगुलर जैसी नहीं है कि फॉरन डिक्रीज कर जाए, कुछ सेकेंड्स वो इंक्रीज ही रहेगी और उसके बाद ऐसा ऐसा डिक्रीज करने लग जाएगी। तो ये आपकी सर्जिंग हो रही होती है, ठीक है। अब हमने देखना होता है कि हमें किस टाइप का सर्ज करंट चाहिए। यूजुअली हमें ना ये सॉटूथ वगैरह चाहिए होते हैं जिनमें थोड़े इंटरवल्स आ रहे हो, ताकि जो मसल है वो आपका फटीग ना करे। नर्व इम्पल्स क्या है, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रही है यही हम पढ़ते हैं। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। आपकी जो रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम के साथ परमिएबल नहीं होती है, फिजियोलॉजी है। तो क्या होता है कि जो जब आप करंट देते हो ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फॉल करना चाहिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनने चाहिए। जब पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स कैसे बनते हैं कि जो सोडियम है वो मूव कर जाता है इनसाइड, इनसाइड जब मूव करता है तो अंदर जो है वो आपका पॉजिटिव आइंस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और जो है ये देखो, जब सोडियम आइंस इनर जाएंगे ना, तो इनर पॉजिटिव हो जाएगा, आउटर आपका कंपैरेटिवली नेगेटिव हो जाएगा, और एक करंट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये देख, ठीक है। अब साइनैप्स क्या है, साइनैप्स वो एरिया होता है जो एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन या दूसरे मसल के साथ जाके आपको उसमें कनेक्शन बना रहा होता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचेगा तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इन साइनैप्स के या ये जो गैप्स होते हैं इनके दरमियान में होते हैं, जो कि सिग्नल्स को कैरी करते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके नेक्स्ट सेल में लेकर जाएगा। वो न्यूरोनल सेल भी हो सकता है और वो मस्कुलर सेल भी हो सकता है। फिर वो यहाँ पे जब जाएगा तो आगे से सारी जब ट्रांसमिट करेगा तो आपका जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो सारा रन करने लग जाएगा, एक पाथवे बना लेगा। इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है, क्या नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, जो टू पोल होता है थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए। ये देखो, आयन चैनल्स इन द एक्सॉन्स आर वोल्टेज गेटेड, डीपोलराइजेशन एट वन एक्सॉनल सेगमेंट ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ एन आयन चैनल इन द नेक्स्ट सेगमेंट, कि वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स अलोंग द एक्सॉन एज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। हमने यही फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि एक सेक्शन में डीपोलराइजेशन हो रही है, फिर वो डीपोलराइजेशन नेक्स्ट में चली जाएगी, और जहां पे पहले हुई होगी वो रिपोलराइजेशन हो जाएगी, फिर डीपोलराइजेशन आगे नेक्स्ट में चली जाएगी और वहां पे रिपोलराइजेशन। तो ये आपकी एक वेव बनती जाती है, कॉन्टिन्यूस एक स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्टिंग क्यों हम दे रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर तो आप करंट कॉन्टिन्यूसली दोगे ना, तो आपकी जो है वो मसल जो है वो फटीग हो जाएगा। नाउ वी हैव अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कहते हैं कि हम इंटेंसिटी को क्यों इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम सेम इंटेंसिटी को लेकर चलेंगे ना, देखो अगर आपको किसी ने पिंच किया है, चुटकी काटी है, ठीक है, आप स्टार्ट में आपको दर्द होगी, मगर अगर वो बढ़ा नहीं रहा, उसकी इंटेंसिटी उतनी है, तो एक पॉइंट आएगा कि आप जाके इम्यून हो जाओगे, आपको दर्द होना खत्म हो जाएगी। कंपैरिजन में ये क्या होता है कि आप इम्यून हो जाते हो, ठीक है। कंपैरिजन में अगर आपको कोई पिंच कर रहा है और वो पहले आराम से कर रहा है और आहिस्ता 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 बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसकी पेन ज्यादा फील होगी, कि एक पॉइंट आपका आएगा कि आप कहोगे बस करो, बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपकी ये जो मेडिसिन है ये रेजिस्टेंट हो जाती है टूवर्ड्स बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि आप इतनी खाते हो कि आपको इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो जाती है। आप पेनाडोल है, किसी ने पेनाडोल इतनी ज्यादा खा ली होती है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है पेनाडोल, फिर आप एक दोबारा खाओ तो वो असर ही नहीं करती। कॉन्ट्रेरी टू दिस, जब आप न्यू मेडिसिन खाते हो तो वो उसकी मतलब बॉडी को आदत नहीं होती, तो वो जल्दी फिर असर कर देती है। तो अकोमोडेशन ये होती है कि अगर आप एक ही इंटेंसिटी, आइदर लो आइदर मीडियम आइदर हाई, अगर आप एक ही इंटेंसिटी पे करंट दे रहे हो तो बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर लेती है, और फिर ज्यादा कोई इफेक्टिव चेंजेस नहीं आते। इसीलिए हम सर्जिंग करते हैं कि हम अपनी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ताकि बॉडी में जो है वो चेंजेस ज्यादा आए और नर्व उसको अडेप्ट ना करें।
अफेक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स व्हेन अ नर्व इज स्टिमुलेटेड नर्व सेल में जाती है ओनली वन डायरेक्शन इन विच इट कैन ट्रेवल अलोंग एक्सॉन एंड व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड एट लेवल ऑफ नर्व फाइबर. जब आप देखो जब आप नर्व जो स्टिमुलेट होती है नर्व सेल जो स्टिमुलेट होता है तो वो एक ही डायरेक्शन में जाती है एक्सॉनल डायरेक्शन में जानी है अवे लेकर जाना है उसने. और जब नर्व फाइबर आपकी स्टिमुलेट हो रही होती है नर्व फाइबर से क्या है कि आपके एक्सॉन्स भी निकल रहे हैं डेंड्राइट्स भी निकल रहे हैं नर्व फाइबर्स डिफरेंट जा रही है तो वो फिर आपकी बोथ डायरेक्शन में जा रही होती है. ठीक है सो एनी क्वेश्चन. रुको मैं अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को. एक्सक्यूज मी मैम, ये अकोमोडेशन वाला पार्ट दोबारा बता दें. अच्छा अकोमोडेशन मैंने बताई है. अकोमोडेशन कहते हैं बेसिकली जब आप एक ही इंटेंसिटी पे किसी को करंट दे रहे होते हो ना बॉडी को तो जो आपकी नर्व है ना लाइक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है कि एक ही इंटेंसिटी पे आ रहे हो वो खुद को अडेप्ट कर लेती है. आप कोई भी चीज एक ही इंटेंसिटी से दोगे ना कहीं पे भी मेडिसिन होगी कुछ भी होगी जब आप रिपीट करोगे ना एक ही चीज तो वो खुद को अडेप्ट कर लेती है. आप हो जैसे अगर आप किसी हॉट एनवायरनमेंट में गए हो ठीक है और आपको स्टार्ट में गर्मी लगना स्टार्ट हुई है और एक पॉइंट आएगा कि आप खुद को उसमें अडेप्ट कर लोगे. क्या होता है कि बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है इसी तरह नर्व में भी यही होता है कि अकोमोडेशन हो जाती है. नर्व जो है वो खुद को अडेप्ट कर लेती है कि एक ही इंटेंसिटी का करंट आ रहा है मैंने अफेक्ट बंद कर देना है क्योंकि मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. इसलिए फिर हम सर्जिंग ऑफ करंट करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी बढ़ाते हैं कि स्लो से नर्व स्टार्ट हो नर्व अपना अफेक्ट देती रहे वो अडेप्ट ना कर सके हो. दैट्स ऑल ये अकोमोडेशन होती है कि नर्व जो है वो अडेप्ट कर लेती है. सो हमें अकोमोडेशन से बचाना होता है जब हम करंट दे रहे होते हैं. ओके और कोई Anyone else? मुझे अब एक मिनट अटेंडेंस लेने दो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं जरा. अभी लीव ना करना. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम वो इलेक्ट्रोथेरेपी की आप बुक सजेस्ट कर दें. अच्छा बुक बच्चे आप लोगों की है एक जग मोहन है फर्स्ट लेक्चर में लिखी होगी इलेक्ट्रोथेरेपी बाय जग मोहन. इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगी मेल कर दूंगी. ठीक है और एक आपकी क्लेटन है CLAYTON क्लेटन शायद आप लोगों ने मेडिकल फिजिक्स पढ़ी है पढ़ ली है. नहीं मैम पढ़नी है. पढ़े अभी जिन लोगों के ने पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने पढ़ ली होगी उनके पास मेडिकल फिजिक्स की जो है ना क्लेटन ऑरेंज कलर की है येलो कलर की होती है वो है. तो जगमोहन और क्लेटन दोनों ले लो. जगमोहन ले लो वो बेटर है. ठीक है क्लेटन भी अच्छी है तो दोनों में से मिक्स पढ़ लेना. ठीक है छोटी छोटी बुक्स है और जो जगमोहन है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी में. ठीक हो गया. सो जिनका फर्स्ट लेक्चर था आज आई होप कि अब आप सब लोगों के पास लिंक आ गया है. अब तो कोई इशू नहीं है. यस टीचर. यस टीचर. यस मैम आ गया. हो गया स्टार्ट में वो एड ड्रॉप का थोड़ा इशू आ रहा था तो उसकी वजह से लिंक्स जो है ना कॉन्टेक्ट प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो रहे थे. अब बहरहाल सबको आ गया. आप लोग सारे जो मैम मुझे नहीं लिंक आया मेरी फ्रेंड ने मुझे शेयर किया है. मैम मुझे भी नहीं लिंक आया आपका. आप लोग मुझे मुझे भी है मैम तो अपडेट कर दिया यार कॉन्टेक्ट. चलो आज दोबारा कर लूंगी. आप लोग कब हुए एनरोल? नहीं मैम वो आपने लिंक नहीं भेजा मीटिंग आईडी आपने सेंड कर दिया था ना मेरा ख्याल वो अच्छे से मिस हो गई है. हाँ मैंने मीटिंग आईडी सेंड किया हुआ है. मैं हर लेक्चर में लिंक सेंड नहीं करती. मैंने सिर्फ एक दफा मीटिंग आईडी सेंड किया. वो इसीलिए वो कुछ शायद वो मेल मिस हो गई है. हाँ ये बच्चे एक दफा क्लियर कर लो कि मैंने बार बार मीटिंग लिंक्स नहीं सेंड करना. मैंने सिर्फ एक दफा जो मीटिंग आईडी सेंड किया हुआ ना वो अपने स्लॉट जैसे आप लोगों का 8 बजे है
वो खुद ही डाला करो, अगर कोई चेंजिंग करनी होगी तो उसको मैं फिर मेल कर दूंगी, मगर अगर मेरी मेल नहीं आती तो दैट मीन्स कि आप और 8 बजे वाली क्लास है तो मीटिंग मतलब आएगी। मैम पिछली भी क्लासेस की अटेंडेंस का क्या होगा? ठीक है, ओके ओके, वो मार्क हो जाएगी प्रेजेंट, उसकी टेंशन ना लो। मैम आपने अब तक कोई मेल नहीं भेजी अभी तक? कोई अनयूजुअल मेल तो नहीं भेजी मैंने, सिर्फ लेक्चर के लिए वही भेजी थी आईडी, अपना पर्सनल आईडी। ठीक है, स्टिल अगर किसी को नहीं आती तो फिर लाइक अगर आप लोगों को पता चलता है कि आपके किसी फ्रेंड को आ रही है और आपको नहीं आ रही तो मुझे वो चेक, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, मगर मेरे पास अब 118 स्टूडेंट्स एनरोल्ड आ रहे हैं और मेरे पास सबके मतलब वो ग्रुप में सारे हैं, इसके अलावा अगर कोई मिस हुआ है तो आई डोंट नो। ठीक है मैम, अटेंडेंस हो गई है? हाँ मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, वेलकम। चलो लीव जिसने करना है कर दे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो। चलो नेक्स्ट टाइम ही लेक्चर पढ़ के आइएगा, मैंने सुनना है और फिर आगे स्टार्ट करना है। ओके अल्लाह हाफिज। ओके मैम। जी जी बच्चे, मैम आप मूडल पे अपलोड कर देंगी या आप हमें मतलब लेक्चर ईमेल कर देंगी? अगर मॉडल पे आप लोग आज ही एनरोल हो गए तो मैं मॉडल पे अपलोड कर दूंगी, वरना लेक्चर ईमेल। ओके मैम, एक बात पूछनी, जिस तरह हम लोग यानी पिछले सेमेस्टर में हम लोग खुद एलएमएस पर जो है वो एनरोल करते थे टीचर्स को, तो इस दफा ओके टीचर्स खुद करेंगी? हां वो प्रोसेस आजकल चल रहा है तो वो एक दो दिनों में हो जाएगी आपका एनरोल। ओके मैम, ठीक है, फिर आप लेक्चर्स ईमेल ही भेजते हैं? अब मैं देख लेती हूँ ना कि अगर आज ही इनरोलमेंट हो गई तो आज शाम तक चेक कर लेना, अगर इनरोलमेंट हो गई तो लेक्चर्स भी आ गए होंगे। ठीक है, ओके ओके, क्लासेस क्लासेस।